ओके सर, तो व्हाट इफ सीरीज का एपिसोड 4 आ गया, जो सच बताऊं तो अभी तक का मेरा फेवरेट एपिसोड बन चुका है। पहले के 3 एपिसोड अच्छे थे, बट ये वाला बवाल था। और ये एपिसोड बेस्ड है डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर, तो मुझे तो अच्छा लगना ही था, क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है एमसीयू में। और एपिसोड देखने के बाद बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि कोई एनिमेटेड एपिसोड देखा मैंने, बिल्कुल फील आ गया था मूवी वाला। साउंड इफेक्ट्स, सिनेमेटोग्राफी और साथ में वॉइस डबिंग जो ओरिजिनल एक्टर्स नहीं करी है, वो भी एकदम ऑन पॉइंट थी। सो बात करते हैं इसी एपिसोड के बारे में, बट उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम मेरी आवाज सुन रहे हो तो इसको सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। दबा देना क्या, जाओ दबा क्या हो। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो एपिसोड स्टार्ट होता है अगेन सेम इंट्रो के साथ, जैसा अपने को बाकी एपिसोड में दिखाया गया है। और वॉचर चाचा को दिखाते हैं जो ताड़ ही रहे होते हैं टाइमलाइन को, और कोई काम क्या इसके पास, लेकिन मस्त जॉब है इसकी जो भी है। खैर, फिर जैसा मैंने बताया था कि ये पूरा एपिसोड सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज के ऊपर बेस्ड है और कुछ भी अलग नहीं दिखाया गया इसमें, तो ऑब्वियसली अपने को डॉक्टर स्ट्रेंज की ओरिजिनल टाइमलाइन दिखाई जाती है जैसी मूवी में थी, जिसमें हम सबको पता है कि डॉक्टर साहब अपने जादूगर वाले डॉक्टर स्ट्रेंज कैसे बने थे। उनका एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से उन्होंने अपने हाथ खो दिए थे। सो फिर वो अपनी लाइफ का मोटिव ढूंढने के लिए गए थे कामरताज, और वहां पर एंशिएंट वन ने एक सिंपल डॉक्टर को सॉर्सरर सुप्रीम में कन्वर्ट कर दिया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है, बट एक चीज ऐसी होती है जिससे ऑब्वियसली एक न्यू यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है। तो होता यह है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी ब्लैक लैम्बोर्गिनी निकालता है और वही अरमानी का ढांसू सूट पहन के पार्टी के लिए निकलता है। मेन टाइमलाइन में तो ये अकेला गया था, बट यहाँ पर भाभी जी को भी ले जाता है, होने वाली भाभी जी जो बन नहीं पाती, क्योंकि ये होती है डॉक्टर क्रिस्टीन पामर। मेन टाइमलाइन से याद होगा तो स्ट्रेंज और इसका कह सकते हो कि ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि या तो डॉक्टर स्ट्रेंज दुनिया बचा सकता है और या फिर अपना घर बसा सकता है। सुपर हीरो बनना इतना आसान नहीं होता। खैर, तो स्टीफन और क्रिस्टीन ये दोनों साथ में अब ड्राइव करके जा रहे होते हैं, तो ड्राइविंग के टाइम यहां हो जाता है इनका एक्सीडेंट, मगर उस वाली कार से नहीं जैसा मेन टाइमलाइन में हुआ था। स्ट्रेंज उस एक्सीडेंट से तो बच जाता है, बट पीछे से कोई टल्ली ड्राइवर आके इनको ठोक देता है। और एग्जैक्टली जिस तरह मूवी में इनकी कार ठुकी थी, पानी में जाके गिरी थी, सेम वैसे ही शॉट टू शॉट यहां पर भी होता है, बट रिजल्ट थोड़ा अलग होता है। यहां पर अब डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों को तो कुछ नहीं होता, वो एकदम सही सलामत होते हैं, बट इसके बगल में बैठे इसकी क्रिस्टीन, वो सैडली वहीं पर ऑन द स्पॉट मर जाती है। और ये देख के ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज के दिल के टोटे टोटे हो जाते हैं। अब ये लग तो नहीं रहा होगा, बट ये बहुत बड़ा चेंज होता है, इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है डॉक्टर साहब की लाइफ में। उसने अपना प्यार खो दिया होता है। नो, अब इसके बाद सब कुछ सेम होता है, वही मेन टाइमलाइन जैसा। ये कामरताज जाता है, एंशिएंट वन से मिलता है, समय के राज को समझता है, और फिर डोरमामू को अपने माया जाल में फंसा के भगा देता है, एक तरीके से दुनिया को बचा लेता है। हालांकि एक चीज चेंज होती है इस टाइमलाइन में, कि अपनों को यहां मोर्डो नहीं दिखाते हैं, जिसका काफी मेन रोल था मूवी में। सो वो सीन याद होगा जब डॉक्टर स्ट्रेंज फर्स्ट टाइम आई एफ एगामोटो का यूज करके टाइम के साथ खेल रहा था, तो मूवी में यहाँ पर साइड में मोर्डो और वोंग थे जो इसको रोकने के लिए आए थे, वार्निंग देने के लिए, बट यहाँ पर वोंग और एंशिएंट वन होते हैं। सो मे बी यहाँ पर मोर्डो ना हो, क्योंकि मूवी में भी लास्ट में मोर्डो के मोटिव्स बदल गए थे, वो ईविल रास्ते में चला गया था, तो यहाँ पर भी कुछ सीन होगा। खैर, अब अपने को दिखाते हैं कि स्ट्रेंज खाली बैठा होता है, इसने डोरमामू से दुनिया को बचा लिया होता है, बाकी सारे काम कर लिए होते हैं, और साथ में एंशिएंट वन भी अब तक चल बसी होती है, बट स्टिल यहाँ स्ट्रेंज को लोनली फील हो रहा होता है, क्रिस्टीन की याद आ रही होती है इसे। तो अब ये सोचता है कि इसके पास टाइम स्टोन है, ये टाइम को कंट्रोल कर सकता है, तो क्यों ना टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाके क्रिस्टीन को इस एक्सीडेंट से बचा लिया जाए। तो ये यही करता है, पास्ट में जाता है उसी मोमेंट में जब क्रिस्टीन आती है, और फिर इस बार ये सावधानी से गाड़ी चलाता है, बट स्टिल वो टल्ली ड्राइवर तो वहीं था, वो इसको ठोक देता है, और अगेन रिजल्ट वही आता है, क्रिस्टीन मर जाती है। बट स्ट्रेंज हार नहीं मानता, ये फिर से पास्ट में जाता है और फिर से सेम चीज करता है, इस बार तो रास्ता ही बदल देता है, बट अगेन एक्सीडेंट हो जाता है और क्रिस्टीन चल बसती है। और ऐसे ही अगेन एंड अगेन ट्राई करता है, हर बार सिनेरियोस बदलता है, बट कोई फायदा नहीं हो रहा होता है इसका। हर बार अलग अलग तरीके से क्रिस्टीन के किसी ना किसी तरीके से मौत हो जा रही थी, जैसे उसकी मौत तय हो गई थी, उसमें स्ट्रेंज कुछ भी नहीं कर सकता। अब सोचो, इतनी पावर्स होने के बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज उनको अपने फायदे के लिए यूज नहीं कर सकते, तो ये है असली जिंदगी का दर्द, सुपर हीरो बनना इतना आसान नहीं है। खैर, फिर यहाँ आती है एंशिएंट वन, जो हाँ मर चुकी है, बट ये सिर्फ स्ट्रेंज को रोकने के लिए आती है कि मूव ऑन हो जाओ, क्रिस्टीन को भूल जाओ, क्योंकि हमें भी पता है और डॉक्टर साहब को भी पता है टाइम के साथ खिलवाड़ करना सही नहीं होता। बट मेन पॉइंट वो नहीं होता, एंशिएंट वन के हिसाब से क्रिस्टीन को वापस से जिंदा नहीं किया जा सकता। वही बात है कि उसका मरना तय था, उसकी डेथ अनमूवेबल एंड अनचेंजेबल होती है, उसकी मौत के बिना डॉक्टर स्ट्रेंज कभी सॉर्सरर सुप्रीम बनी ना पाता इस टाइमलाइन में। बट स्ट्रेंज ने कसम खा ली होती है कि ये क्रिस्टीन को वापस लाएगा, ये हार नहीं मानने वाला था चाहे जो भी हो जाए। तो ये यहाँ से भाग के दूसरी जगह जाता है, दूसरे टाइम में भी आ जाता है, ओल्ड टाइम में, कह के लिए इस तरह की लाइब्रेरी ढूंढने के लिए। अब ये नेम पहली बार नहीं सुन रहे होगे आप, क्योंकि वो बुक याद होगी, द बुक ऑफ कैक्लियोस्त्रो, जिससे स्ट्रेंज ने टाइम कंट्रोल करना सीखा था, और उसी सेम बुक से काइसिलियस ने भी डोरमामू को अपने यूनिवर्स में बुलाया था, और वोंग ने भी बताया था कि कैक्लियोस्त्रो की बहुत सी बुक्स थी जो अब खो चुकी हैं। इसी वजह से स्ट्रेंज इस ओल्ड टाइम में आता है, पर्सनली खुद कैक्लियोस्त्रो से मिलने के लिए, क्योंकि सिर्फ उसी को पता होता है कि कैसे टाइम के एक एब्सोल्यूट पॉइंट को तोड़ सकते हैं। मतलब एक तरीके से सिर्फ उसी को पता होता है कि कैसे क्रिस्टीन वापस आ सकती है,
हालांकि यहाँ उसको कैग्लियोस्ट्रो तो नहीं मिल पाता, बट एक आदमी मिलता है जिसका नेम होता है ओबैंग। ये अपने आप को लाइब्रेरियन बताता है कैग्लियोस्ट्रो की लाइब्रेरी का। अब एक कॉमिक रेफरेंस भी है, क्योंकि कॉमिक के हिसाब से कैग्लियोस्ट्रो का रियल नेम ओबैंग था। कन्फर्म नहीं है, बट बहुत लोगों का मानना है ये। तो मे भी ये लाइब्रेरियन खुद कैग्लियोस्ट्रो हो सकता है, ये अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा हो बस। और फिर शायद ये एक नॉर्मल लाइब्रेरियन भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत काइंड और बहुत शांत होता है। और आगे हमें इसकी डेथ को भी दिखाते हैं, जहाँ ये खुशी खुशी मर जाता है बिना डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प लिए। और एक फनी चीज होती है कि इसको डॉक्टर स्ट्रेंज का नेम काफी स्ट्रेंज लग रहा होता है। ये उसको डॉक्टर अरमानी बुलाता है, क्योंकि उसने अरमानी का सूट पहना होता है। ये सीन एकदम वैसा ही होता है जब फर्स्ट टाइम काइसिलियस स्ट्रेंज से मिला था, और वो भी उसके नेम पे कंफ्यूज हो गया था। खैर, ओबैंग स्ट्रेंज को लाइब्रेरी दिखाता है, जहाँ रखी होती है कैग्लियोस्ट्रो की सारी बुक्स। इसमें हर तरह की पावर के बारे में होता है, टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस एटसेट्रा। बट स्ट्रेंज को चाहिए होता है टाइम मैनिपुलेशन, और इन्हें पढ़ के इसको पता चलता है कि अगर इसको टाइम के एब्सोल्यूट पॉइंट को तोड़ना है तो इसे बहुत ज्यादा पावर चाहिए होंगी, मतलब बहुत ही ज्यादा, कोई मजाक नहीं। और पावर्स कहाँ से मिलेंगी? सो वो मिलेंगी और दूसरे पावरफुल बींग से, अदर डायमेंशंस के। तो ये पहले बुलाता है एक टेंटिकल्स वाले प्राणी को दूसरे डायमेंशन से। अब ये वही वाला बींग लग रहा होता है जो फर्स्ट एपिसोड में अपने को दिखा था, जिससे कैप्टन कार्टर ने लड़ाई लड़ी थी। लोगों का मानना है कि ये होता है शूमा गोरैथ, और बताया था मैंने ओल्ड वीडियो में कि रूमर्स आ रहे हैं कि गोरैथ डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में भी देखने को मिल सकता है। सो एक अच्छा रेफरेंस हो सकता है, और साथ में ये हमें वो भी दिखा रहा है कि कैसे यहां के एपिसोड्स आपस में कनेक्टेड हैं। खैर, स्ट्रेंज पहले यहां अपनी वही ओल्ड ट्रिक अपनाता है डोरमामू वाली, कि मैं तुमसे सौदा करने आया हूं, और ये मे बी गोरैथ से उसकी पावर्स किराए पे लेने के लिए बोलता है, बट ना, पेल दिया जाता है। ओबैंग बताता है कि मिस्टिक बींग्स अपनी पावर्स किसी को दान में नहीं देते, और ये साथ में साफ साफ वार्निंग्स भी देता है कि उनकी पावर्स किसी ह्यूमंस के लिए नहीं बनी है। बट स्ट्रेंज पीछे नहीं हटने वाला था, प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है ये। तो अब ये एक एक करके मिस्टिक बींग्स से उनकी पावर्स छीनने लगता है, बोल सकते हैं उनको अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है, ताकि ये पावरफुल बनता जाए। और ऐसे ही करके एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे बींग्स के साथ ऐसा कर रहा होता है, जिसमें डार्क डायमेंशंस के भी बींग्स थे। और लास्ट में फिर ये उस टेंटिकल वाले प्राणी गोरैथ को भी अपने अंदर समा लेता है। तो अब इस टाइम आप सोच नहीं सकते कि कितनी ज्यादा पावर्स होंगी इस डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। इवन अब ये डॉक्टर स्ट्रेंज भी नहीं होता, ये बन गया होता है डॉक्टर स्ट्रेंज प्रो मैक्स, अरे मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम। अब ये इविल डॉक्टर स्ट्रेंज तो बन गया है, बट इसको इविल नहीं बोल सकते यार, इसको सिर्फ अपना प्यार चाहिए, भावनाओं को समझो। खैर, अब यहाँ से एपिसोड और स्टोरी टर्न लेती है, जब वॉचर चाचा अपने को बताते हैं कि इस यूनिवर्स में सिर्फ एक अकेला डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं होता है, यहाँ एक और स्ट्रेंज होता है जिसने ये एक्सेप्ट कर लिया होता है कि क्रिस्टीन अब नहीं रही, और ये उसकी डेथ से मूव ऑन हो जाता है। तो जब ये अच्छा वाला स्ट्रेंज अपने घर से बाहर निकलता है, तो इसकी दुनिया की लंका लग गई होती है, सब कुछ खत्म हो रहा होता है। तो तभी से स्ट्रेंज से मिलने आती है एंशियंट वन। अब इसको बार बार यहाँ देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी ना किसी मूवी में टपक आएगी, मे बी हमें इसका कैमियो देखने को मिल सकता है किसी और मूवी में, पॉसिबल है। खैर, फिलहाल ये स्ट्रेंज से बात करती है, और हमें दिखाते हैं कि इससे पहले जो फाइट हुई थी डॉक्टर स्ट्रेंज और एंशियंट वन के बीच में, उसमें एंशियंट वन समझ गई थी कि अब इस इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकना नामुमकिन है। तो तभी उसने सिंगल यूनिवर्स को 2 टाइमलाइंस में डिवाइड कर दिया था, स्प्लिट कर दिया था बोल सकते हो। मतलब यहाँ पर इस यूनिवर्स में 2 डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं, एक इविल और एक गुड। एंशियंट वन ने ऐसा ये सोच के किया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज को सिर्फ एक दूसरा डॉक्टर स्ट्रेंज ही रोक सकता है, मतलब एक रायता फैलाएगा तो दूसरा ही उसको बटोर पाएगा। और इस अच्छे डॉक्टर स्ट्रेंज को भी अपने प्यार की चाहत थी, बट उससे ज्यादा इसका जो काम है दुनिया की रखवाली करना, वो ये करना चाहता है। इविल स्ट्रेंज की वजह से इस पूरे यूनिवर्स के लग चुके होते हैं, सब गायब हो रहा होता है धीरे धीरे। तो स्ट्रेंज तैयार हो जाता है फाइट के लिए, और इससे पहले वॉन्ग स्ट्रेंज के ऊपर एक स्पेल छोड़ता है, जिसको बोलते हैं द गार्डियन विशांति हैवी ड्यूटी प्रोटेक्शन स्पेल, जहर नाम। अब जिनको नहीं पता तो बताता हूँ, ये विशांति वर्ड डायरेक्ट कॉमिक से उठाया गया है। कॉमिक्स में विशांति एक ट्रायो टीम होती है, इसमें 3 सुपर नेचुरल बींग्स होते हैं जो दुनिया की रखवाली करते हैं, और ये हमेशा सॉर्सर सुप्रीम्स के साथ खड़े होते हैं, और इनके साथ खड़े होकर दूसरों से फाइट करते हैं। तो यहाँ पर ये विशांति स्पेल इसी चीज का डायरेक्ट रेफरेंस है, ये भी डॉक्टर स्ट्रेंज की प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाती है। खैर, इससे पहले कि डॉक्टर स्ट्रेंज इविल वाले को ढूंढता, इविल स्ट्रेंज पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढ लेता है। और यहाँ पर फिर आता है वो सीन जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, इविल डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस गुड डॉक्टर स्ट्रेंज, और या यूं कहो तो डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम। और ऑब्वियसली ये फाइट बहुत ज्यादा औसम थी, मेरे को इन्फिनिटी वॉर के फाइट सीन्स की याद आ गई थी, जिसमें थैनोस के अगेंस्ट लड़ रहा था डॉक्टर स्ट्रेंज, बट वहां पर भी थैनोस ज्यादा पावरफुल था डॉक्टर स्ट्रेंज से। सो सेम यहां पर भी होता है, इविल डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मिस्टिक्स बींग्स की पावर होती है, और वो भी अलग अलग डायमेंशन के। और अब हाँ, जो लोग बोल रहे थे कि क्या ये इविल स्ट्रेंज थैनोस को अकेले बीट कर सकता है, तो मेरे हिसाब से शायद हाँ, क्योंकि मैंने बताया इसके अंदर अकेले की ही पावर नहीं है जो बहुत ज्यादा है, इसके अंदर फिलहाल और भी बहुत सारे इविल बींग्स हैं, तो मे बी ये थैनोस को हरा सकता है। खैर, इनकी फाइट होती है, और एक पल के लिए इविल स्ट्रेंज अपने अच्छे स्ट्रेंज को मैनिपुलेट करने का भी ट्राई करता है, उसे फेक स्ट्रेंज दिखा के कि ये बहक जाए, बट यहाँ साफ दिख रहा होता है कि स्ट्रेंज ने क्रिस्टीन की डेथ को एक्सेप्ट कर लिया होता है।
इसे फिलहाल सिर्फ और सिर्फ दुनिया की परवाह है। और फिर इसके बाद वही होता है जैसा मालूम था कि दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज ही हैं, तो जिसके पास ज्यादा पावर्स होंगी वही जीतेगा। तो इविल वाला जीत जाता है और नॉर्मल स्ट्रेंज को भी अपने अंदर समा लेता है, जैसे इसने बाकी इविल बींस को समाया था। तो मतलब अब ये इस यूनिवर्स का कंप्लीट डॉक्टर स्ट्रेंज बन जाता है। और इसके बाद ये अपना वही रिचुअल करता है जिसके लिए इसने इतने कांड किए, क्रिस्टीन को वापस लाना। तो अब ये पूरी पावर्स लगा देता है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अब एकदम पूरा चेंज हो चुका होता है, सच में इविल बींग बन जाता है। सारे मिस्टिक बींग जो उसकी बॉडी के अंदर घुसे थे वो नजर आने लगते हैं, एकदम बीस्ट बन जाता है। और एक क्रिस्टीन को वापस लाने वाला सीन सच में काफी जहर था। ब्यूटी एंड द बीस्ट वाला सिनेरियो बन गया था, बस उनकी हैप्पी एंडिंग हो गई थी, इनकी नहीं हो पाई, क्योंकि क्रिस्टीन इस इविल स्ट्रेंज को देखते ही डर जाती है, कौन नहीं डरेगा। लेकिन इसको बचाने का कोई फायदा ही नहीं होता, कॉज इस पूरे यूनिवर्स के ऑलरेडी लग चुके होते हैं, वो भी अच्छे वाले। और यूनिवर्स में ही ये क्रिस्टीन भी आती है, तो बाकियों की तरह ये भी गायब होने लगती है। और हमें दिखाते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स कोलैप्स होने लगता है। और फिर आता है एक ढांसू सीन जब वॉचर फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करता है किसी ह्यूमन से। अब बहुत लोग बोल रहे थे कि वॉचर से कोई बात नहीं कर सकता, ना ही उसे देख सकता है, तो ये पॉसिबल कैसे है? तो मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इस टाइम पे काफी ज्यादा पावरफुल होता है, सो ये वॉचर से भी इंटरेक्ट कर पा रहा होता है। और इसको वॉचर के बारे में पहले से ही पता होता है, इसके हिसाब से वो एक गॉड होता है, इसलिए उससे भीख मांगने लगता है कि सब कुछ सही कर दो, इससे बहुत बड़ा घोर पाप हो गया। बट अब बहुत लेट हो चुका है, इसको रियलाइज हो जाता है कि इसको क्रिस्टीन को बचाना नहीं चाहिए था, बट अब क्या कर सकते हैं। और साथ में वॉचर चाचा ने भी कसम खाई रखी है कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा तो नहीं करेगा, चाहे फिर पूरा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए। सो एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ नहीं कर पाता और पूरा यूनिवर्स एक छोटे सी बॉल में जाके कोलैप्स हो जाता है। और अपने को उस बॉल के अंदर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन की एंडिंग दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा सैड होती है। कसम से अगर मुझे सैड मोमेंट में हंसने की आदत ना होती तो मैं रो देता। खैर छोड़ो, लास्ट में फिर क्रिस्टीन भी चल बसती है, दोबारा चल बसती है। खैर तो अब हमें ये बताया गया है कि यूनिवर्स कोलैप्स हो गया, एक तरीके से बोल सकते हो डिस्ट्रॉय हो गया, बट वो एक पर्पल बॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये क्या झोला ये तो पता नहीं है, बट ये जरूर पता है कि आगे हमें अगेन इस इविल स्ट्रेंज को दिखाया जाएगा। हमें ट्रेलर में एक सीन देखने को मिला था जहाँ इविल स्ट्रेंज कैप्टन कार्टर के सामने खड़ा था, मतलब किसी ना किसी तरीके से ये इविल स्ट्रेंज अच्छा आदमी बनके शायद इस बॉल से बाहर निकलेगा और फिर मे बी ये सब यूनिवर्स आगे जाके एक साथ कंबाइन भी हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। खैर ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा था एपिसोड। और वो लोग जो बोल रहे थे कि डॉक्टर स्ट्रेंज एंड गेम के बाद टाइम स्टोन का यूज करके टोनी को वापस ला सकता था, मतलब जिंदा कर सकता था, तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया? तो देखो अब पता चला ना क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया, जो गया सो गया, उसको वापस लाने के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। खैर और साथ में ये भी हो सकता है कि अपने को पता ही अभी डॉक्टर स्ट्रेंज मॉम मतलब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आएगी, तो उसमें मे भी यही इविल स्ट्रेंज विलन हो, और या फिर हो सकता है कि वांडा विलन हो और उसको हराने के लिए इविल स्ट्रेंज को धरती पे कदम रखने पड़े। बट दीज आर जस्ट थ्योरीज, विल नेवर नो। ऐसा तो लोग ये भी बोलते हैं कि नो वे होम में जो डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाया गया है वो असलियत में मेफिस्टो है, तो इन पे भरोसा मत करना। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, इस एपिसोड को लेके ज्ञान कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ज्ञान ना हो तो कुछ भी लिख देना, और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना ताकि ऐसे ही वीकली एपिसोड देखते रहो मेरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।